नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार। मैं अवनींद्र मान जयपुर से जन सरोकार मंच का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे इस लायक समझा। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। मैं अपने बारे में बता दूँ, पहले भी लोग शायद जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और पिछले 8 साल से 3 ऑपरेशन और काफ़ी थेरेपी के गुजर कर मैं आप सब लोगों के साथ हूँ, बाकायदा हूँ। और कुछ जो कैंसर पेशेंट्स के साथ जी रहे हैं या जिनको कैंसर है, मैं उनके लिए भी कुछ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले कि इस रोग को रोग ना समझें, इसके साथ जीना सीखें, इसको हरा कर जीना सीखें। एक छोटी सी कविता मैं कैंसर के लिए लिख रहा हूँ, सुनिएगा। कि बेशक लिख डालो मेरा हर शब्द, बेशक लिख डालो मेरा हर शब्द, हर उस रूह के लिए जो मेरी तरह अकेली है मगर निशांत है, निर्भीक है, यम की गोद में खिलखिलाती है, नग्न है पांचों तत्व की वासना के आगे, नग्न है पांचों तत्व की वासना के आगे, नग्न है पांचों तत्व की वासना के आगे। लिख डालो मेरा उन्मादी जीवन जो है पानी के आगे, लिख डालो मेरा उन्मादी जीवन जो है पानी के आगे, उससे ज्यादा तरल आग के आगे, उससे ज्यादा तप्त हवा के आगे। लिख दो मैं बहा दूंगा उससे ज़्यादा प्राण, हवा के आगे लिख दो मैं बहा दूंगा उससे ज़्यादा प्राण, और मिट्टी के आगे लिख दो मैं ढल जाऊंगा किसी भी आकार में उससे ज़्यादा सरल बनकर, और लिख डालो आत्मा के आगे, और लिख डालो आत्मा के आगे, नोच डालूंगा उसका अहम, अपना नाम लिख दूंगा उसी की छाती पर, उससे ज़्यादा जीवंत। लिख डालो मुझे इन सब के आगे, जब तक मेरा वजूद रहे, उसके बाद सबके हिस्से आएंगी, मेरी शिकायतें, मेरी शरारतें, मेरी लिखावटें, मुस्कुराहटें, मेरी ज़रूरतें, क्योंकि उसके बाद भी मैं रहूँगा, मैं यहीं रहूँगा, मैं रह जाऊँगा कहीं ना कहीं तुम्हारे दिलों में, तुम्हारी मोहब्बतों में। शुक्रिया। पाठक साहब नमस्कार। काफ़ी समय निकल गया आवाज़ की जद्दोजहद में, तो मैं अभी सीधा पढ़ ही रहा हूँ। अभी आवाज़ आ रही है तो कृपया बताइएगा, मेरे को नहीं आ रही है तो मैं कुछ पता नहीं कर सकता। कृपया मुझे बताइएगा जो भी सुन रहा है, यदि आवाज़ अच्छी आ रही है तो। कैलाश मनहर जी, भैया जी नमस्कार, भैया जी नमस्कार नमस्कार। एक और कैंसर के दौरान ही लिखी गई कविता है कि बहुत तीखा है मगर चुभता नहीं है, बहुत तीखा है मगर चुभता नहीं है, ये दर्द है मेरा कभी दुखता नहीं है, बहुत तीखा है मगर चुभता नहीं है, ये दर्द है मेरा कभी दुखता नहीं है, एक सफर है जो थक गया सा है, एक हौसला है जो थकता नहीं है। शैलेश सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जोशी जी आवाज़ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हंस समय जी नमस्कार नमस्कार। मैं सुना रहा था कि बहुत तीखा है मगर चुभता नहीं है, ये दर्द है मेरा कभी दुखता नहीं है, एक सफ़र है जो थक गया सा है, एक हौसला है जो रुकता नहीं है, पैरों तले जमी झुकी हुई है कब से,
ये मेरा आत्मा है जो झुकता नहीं है और ठहरी हुई है हर एक तमन्ना जिस्म में, ठहरी हुई है हर एक तमन्ना जिस्म में, एक हौसला है रूह का रुकता नहीं है, एक हौसला है रूह का रुकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आवाज़ अच्छी आ रही है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। इस हौसले को पूरे वजूद में छा जाने दो। किसी उम्दा शायर ने कहा है कि मौत की किस्से आ रही है, आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। तो कैंसर से कभी हारने वाले ही हार जाते हैं, जीतने की चेन रखने वाले कभी नहीं हारते हैं। चलिए कविता और लिखता हूँ कि रगों में दौड़ती रहती है ख्वाहिश हरदम, रगों में दौड़ती फिरती रहती हैं ख्वाहिशें हरदम, दम भर को सही इन्हें अपनी परस्ती दे दे, रगों में दौड़ती फिरती रहती हैं ख्वाहिशें हरदम, दम भर को सही इन्हें अपनी परस्ती दे दे। ए खुदा मेरे हौसलों को चांदनी ना सही, ए खुदा मेरे हौसलों को चांदनी ना सही, एक रात जुगनुओं सी चमकती दे दे। और अब तो नींदों में भी आँख भराती है, अब तो नींदों में भी आँख भराती है, जागती आँख में थोड़ी सी मस्ती दे दे। ए खुदा हौसला खूब है दरिया में उतर जाने का, हौसला खूब है दरिया में उतर जाने का, पार जाने को एक छोटी सी कश्ती दे दे। शुक्रिया महेश बाबू, नमस्कार, स्वागत है आपका, बड़ी देर कर ली, मेहरबान आते आते। एक और जो कैंसर के दौरान एक और जो चार लाइनें मैंने लिखी थी, ज़िंदगी तू मेरे हौसलों पे ज़रा सी खुशी रख देना, ज़िंदगी से मैं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी तू मेरे हौसलों पे ज़रा सी खुशी रख देना, मेरे टूटते कदमों पे ज़रा सी जमी रख देना, तू मेरे हौसलों पे ज़रा सी खुशी रख देना, मेरे टूटते कदमों पे ज़रा सी जमी रख देना। इश्क बूढ़ा है मगर फिर जवां हो जाएगा, इश्क बूढ़ा है मगर फिर जवां हो जाएगा, तू इसके कांधे पे जरा सी दिलगी रख देना, तू इसके कांधे पे जरा सी दिलगी रख देना। शुक्रिया पोस्टरों से की मार डालो मुझे, शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं आपको कुछ, दोस्त आ गए हैं तो दोस्त के ऊपर मैं कुछ लिखा है जो आपको सुना देता हूँ। ओहो पवन जी का एक्सीडेंट हो गया, ओहो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है भाई, ठीक तो हैं? मैं दोस्त पे कविता सुनाने जा रहा था, आपने एक दोस्त के बारे में बुरी खबर सुना दी। चलिए ईश्वर जल्दी ही ठीक करेगा उनको, हम सब दुआ करते हैं, हम सभी लोग दुआ करते हैं कि अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ईश्वर। चलिए दोस्ती पे एक छोटी सी कविता है, आप सुनिए। मैं दोस्त से ही बात कर रहा हूँ कि जब साथ तुम्हारा होता था हर रोज़ खुशी जी जाते थे, जब साथ तुम्हारा होता था हर रोज़ खुशी जी जाते थे। पुराने दोस्तों की बात कर रहा हूँ मैं, जब रोज़ मिलना जुलना होता था दोस्तों से, दो चार हड्डी टूटी हैं, कम टूटी हैं क्या? वाह भैया दोस्तों तो ऐसे, सलाम दोस्ती को, बढ़िया बढ़िया। चलिए, जब साथ तुम्हारा होता था हम रोज़ खुशी जी जाते थे, गम कोई कहीं जब मिलता था संग बैठ बैठ पी जाते थे। मैं दोस्तियों पे ही सुना रहा हूँ, पुराने दोस्तों के लिए, नए भी इसको महसूस करेंगे कि जब साथ तुम्हारा होता था हम रोज़ खुशी जी जाते थे, गम कोई कहीं जब मिलता था संग बैठ बैठ पी जाते थे, जख्मों को कहाँ हम गिनते थे जब साथ बैठ बतियाते थे। पवन जी को, जख्मों को कहाँ हम गिनते थे जब साथ बैठ बतियाते थे, और फिक्रों का बना बना धुआं सिगरेट फिर नहीं जलाते थे,
दफों को कहाँ हम गिनते थे जब साथ बैठ बतियाते थे, फिक्रों का बना बना धुआं, सिगरेट फिर नहीं जलाते थे, वो गली के नुक्कड़ पे मिलकर अभिमान का पान चबाते थे। वो गली के नुक्कड़ पे मिलकर अभिमान का पान चबाते थे, कांधे से कांधा टकरा कर हम कितना इतराते थे। वो गली के नुक्कड़ पे मिलकर अभिमान का पान चबाते थे, कांधे से कांधा टकरा कर हम कितना इतराते थे। अब गली गांव सब ख्वाब हुए, अब गली गांव सब ख्वाब हुए, फीके सब मन के रुआब हुए, अब नुक्कड़ सारे ओझल हैं, यारों के चेहरे बोझल हैं, अब तो टूटन ही टूटन है, यारों के नाम पे झूठन है, तन पे उजले हैं पैराहन, मन की गांठों में सूजन है, अब फिक्रों का जिक्र नहीं होता, मित्रों सा मित्र नहीं होता, अब फिक्रों का जिक्र नहीं होता, मित्रों सा मित्र नहीं होता, आँखों में आँख नहीं अड़ती, आँखों में आँख नहीं अड़ती, वो घंटों गप नहीं लड़ती, जिसको देखे बिन दिन न कटा, जिसको देखे बिन दिन न कटा, अब फेसबुक में मिलता है, बाजू भर भर जो मिलता था अपने बाजू में सिमटा है, जिसको देखे बिन दिन न कटा, अब फेसबुक में मिलता है, बाजू भर भर जो मिलता था अपने बाजू में सिमटा है, चित्रों किस्सों में पढ़ता हूँ फिर यादों घंटों यादों से लड़ता हूँ, चित्रों किस्सों में पढ़ता हूँ फिर घंटों यादों से लड़ता हूँ, घंटों यादों से लड़ता हूँ। शुक्रिया महेश जी, मन की गांठ वाले दोस्त, सबसे ज़्यादा गांठें हैं ना मैं ही लगाऊंगा आपके। चलिए एक दोस्त का और है कि सर झुकाता हूँ तो कट गया सा लगता है, कि सर झुकाता हूँ तो कट गया सा लगता है, और गर उठा लिया तो बट गया सा लगता है, सर झुकाता हूँ तो कट गया सा लगता है, सर उठा लिया तो बट गया सा लगता है, और नया दोस्त बनाता हूँ जब भी, नया दोस्त बनाता हूँ जब भी, माल छट गया सा लगता है, माल छट गया सा लगता है, और अपने वतन की बात ना कर, अपने वतन की बात ना करे दोस्त, कुछ बुरा सा घट गया सा लगता है, कुछ बुरा घट गया सा लगता है, जब कभी माँ की याद आती है, ये आखिरी, कि जब कभी माँ की याद आती है कोई मुझसे लिपट गया सा लगता है, जब कभी माँ की याद आती है कोई मुझसे लिपट गया सा लगता है, सर झुकाता हूँ तो कट गया सा लगता है, सर उठा लिया तो बट गया सा लगता है, नया दोस्त बनाता हूँ जब भी, माल छट गया सा लगता है, अपने वतन की बात ना कर, कुछ बुरा घट गया सा लगता है, और जब भी माँ की याद आती है कोई मुझसे लिपट गया सा लगता है। लीना दरियाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुषमा समित जी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय मिश्रा जी नमस्कार, वाह जी वाह, पहली बार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे मेरे साथ देने का। चलो एक और यारी पे ही, दोस्ती पे ही, आज हमारे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, बस चार पांच हड्डियाँ टूटी हैं कहना मही जी का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है दुनिया में उसके आगे कुछ भी नहीं है। अरे वाह वाह वाह, पवन जी भी सुन रहे हैं क्या, पवन जी के सरानी बैठे हैं, वाह पवन जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक होगा। चलो यारों की कविता सुना देता हूँ आपको, यारों की बात हो रही है, महेश कुमार जी आइए, चलिए शुरू करता हूँ। यार एक सिगरेट बाकी है क्या, सुन यार एक सिगरेट बाकी है क्या, शाम से बैठे हैं दिलों से कितना धुआं निचोड़ कर फूंक दिया, शाम से बैठे हैं दिलों से कितना धुआं निचोड़ कर फूंक दिया,
फेंक दिया एक दूसरे के कलेजे से। शाम से बैठे हैं, दिलों से कितना धुआं छोड़ दिया, निचोड़ कर फेंक दिया एक दूसरे के कलेजे से। अब तू छोड़ कर जा रहा है यार, अब तू छोड़ कर जा रहा है यार, एक सेकंड बाकी है क्या? अब तू छोड़ कर जा रहा है तो बता यार, एक सेकंड बाकी है क्या? तू कह रहा था एक रोज़ कि मेरी जैकेट से तुझे बास आई थी, तू कह रहा था एक रोज़ कि मेरी जैकेट से तुझे बास आई थी, पापा की बीड़ी थी। मेरे जैकेट से तुझे बास आई थी, पापा की बीड़ी थी, और जब मेरी अवैध भाभी ने, जब मेरी अवैध भाभी ने तेरी नाकामियों पे फेंक दिया था तुझको खाली हो चुकी डब्बी की तरह, और जब मेरी अवैध भाभी ने तेरी नाकामियों पे फेंक दिया था तुझको खाली हो चुकी सिगरेट की डब्बी की तरह, उस वक्त तूने ही तो पूछा था ना मुझसे यार, एक सिगरेट बाकी है क्या? तूने ये तो पूछा था मुझसे उस वक्त कि यार एक सिगरेट बाकी है क्या? आज तू जानता है ना, पूरा शहर जल रहा है। आज जानता है ना तू कि पूरा शहर जल रहा है, फिर भी दोस्ती की एक सिगरेट बाकी रहेगी, फिर भी दोस्ती की एक सिगरेट बाकी रहेगी बिना जले तेरे मेरे दरमियाँ। आज पूरा शहर जल रहा है, फिर भी दोस्ती की एक सिगरेट बाकी रहेगी तेरे मेरे दरमियाँ, बिना जले जो ना तो जला पाएंगे ना फूंक पाएंगे, जो हम ना तो जला पाएंगे ना फूंक पाएंगे, मगर उसके प्रेम का तंबाकू ताउम्र महकेगा हमारे दिलों में। अब ये मत पूछना कि माचिस है क्या, अब ये मत पूछना कि माचिस है क्या, आसपास देश दोस्ती समाज धर्म आस्थाएं, हमारे आसपास देश दोस्ती समाज धर्म आस्थाएं और कुछ भरोसे के दिल भी। अब ये मत पूछना कि माचिस है क्या, आसपास हमारे देश दोस्ती समाज धर्म आस्थाएं और कुछ भरोसे के दिए भी, सब कुछ जल रहा है, सब कुछ जल रहा है, तुझ में हिम्मत है तो जला ले वो आखिरी बची हुई सिगरेट, तुझ में हिम्मत है तो जला ले वो आखिरी बची हुई सिगरेट, लेकिन पूछना जरूर कि यार एक सिगरेट बाकी है क्या, यार एक सिगरेट बाकी है क्या। शुक्रिया। मैं जी आप तो आज पूरे आनंद ले रहे हैं, और भी कुछ चाहिए? कौन से हॉस्पिटल में आता हूँ शाम को बताइएगा, अभी फ़ोन करता हूँ आपको, इस प्रोग्राम के बाद आपसे बात करते हैं। चलिए एक दोस्ती चलने दो जी, उंगली अंगूठे उंगलियाँ अंगूठे कलाइयाँ बाजू कोहनियाँ कांधे, उंगलियाँ अंगूठे कलाइयाँ बाजू कोहनियाँ कांधे, सब मिलाकर हिलाते हैं हाथ, सब मिलकर हिलाते हैं हाथ, बना लेते हैं दोस्त और फिर दिमाग चलता है, और फिर दिमाग चलता है और इस्तेमाल के लायक माल चलता है। शैलेश चौधरी जी माचिस है, सब कुछ है। सोनी चौधरी जी नमस्कार, सोनी जी सोनू बहन नमस्कार, मीना तरजाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश सोनी जी माचिस भी है और सिगरेट भी है, सब कुछ बाकी है, अभी बस जलना जलाना रह गया है। चलिए अब मैं आपको माँ पे कुछ सुना देता हूँ, मेरी बड़ी पसंदीदा कलम है, मैंने जो बहुत ही माँ की मृत्यु के बाद लिखी थी, 1.5 साल हो गया माँ को गए लेकिन लगता नहीं है। चलिए माँ पे पुरानी है, सुन लीजिएगा। कि माथे पे तेरे होने का बस निशान रह गया है, माथे पे तेरे होने का बस निशान रह गया है, मेरी आँखों में ऐ माँ
तेरा जहाँ रह गया है, मेरी आँखों में ऐ माँ तेरा जहाँ रह गया है। और कितना कमज़ोर लग रहा है तू, कितना कमज़ोर लग रहा है तू, आईने में बस माँ का ये बयां रह गया है। कितना कमज़ोर लग रहा है तू, आईने में बस माँ का ये बयां रह गया है, कि तेरे दामन की दीवारें ढह गईं जब से, तेरे दामन की दीवारें ढह गईं जब से, अब कहाँ कोई मेरा मकान रह गया है, अब कहाँ कोई मेरा मकान रह गया है। कि वक्त रुखसत तुझसे अधूरा सफ़र था, वक्त रुखसत तुझसे अधूरा सफ़र था, जहाँ तूने छोड़ा मैं बस वहाँ रह गया, जहाँ तूने छोड़ा मैं बस वहाँ रह गया। कि अब तो खिलखिला के हंसना भी नहीं होता, कि अब तो खिलखिला के हंसना भी नहीं होता, न जाने कहाँ मेरा बचपना रह गया। कि बोलता बहुत था सताता भी खूब था, बोलता बहुत था सताता भी खूब था, तेरे बाद तेरा बेटा बेजुबान रह गया, तेरे बाद तेरा बेटा बेजुबान रह गया, माथे पे तेरे होने का बस निशान रह गया है। तू अपनी नियति में मैं अपनी कश्मकश में, तू अपनी नियति में मैं अपनी कश्मकश में, अब क्या है जो तेरे मेरे दरमियाँ रह गया, अब क्या है जो तेरे मेरे दरमियाँ रह गया, माथे पे तेरे होने का बस निशान रह गया। कि पिता हो गया है पति हो चुका है, पिता हो गया है पति हो चुका है, अब ये किसी का बेटा कहाँ रह गया है, माथे पे तेरे होने का बस निशान रह गया है। माता मन आज आपका भी है। महेश कुमार जी नमस्कार, पवित्री प्रज्ञा बहन को नमस्कार, आइए बहन स्वागत है। चंद्रवीर सिंह जी नमस्कार, नमस्कार, आप कल आपने बहुत अच्छा पढ़ा, कल आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत सुंदर। चलिए माँ पे और सुनाता हूँ मैं, कि लहू लहू था जिस्म मेरा रूह तलक तुम लाई थी, लहू लहू था जिस्म मेरा रूह तलक तुम लाई थी, और माँ से लिपट के रो लिया वो सबसे बड़ी दवाई थी। लहू लहू था जिस्म मेरा रूह तलक तुम लाई थी, और माँ से लिपट के रो लिया वो सबसे बड़ी दवाई थी। अर्चना जैन जी नमस्कार, शशि पाठक बॉस नमस्कार, दोनों आमने सामने हैं, एक साथ बैठे हैं या घर अपने अपने घर हैं। न जाने कहाँ मेरा बचपना रह गया, वाकई न जाने कहाँ रह गया, न जाने कहाँ रह गया। चलो एक माँ पे और सुना देती हूँ, कि बेसलीके से ये गम लगने लगे हैं, बेसलीके से ये गम लगने लगे हैं, बेसहारा से अब हम लगने लगे हैं। कि जिस पल से तेरा दामन है छूटा, बेसलीके से हम लगने लगे हैं, बेसलीके से गम लगने लगे हैं, बेसहारा से अब हम लगने लगे हैं। कि वो जिस पल तेरा दामन है छूटा, नींद को बिस्तर भी कम लगने लगे हैं, जिस पल तेरा दामन है छूटा, नींद को बिस्तर भी कम लगने लगे हैं। कि मर्द है तू रोना नहीं है तुझको, मर्द है तू रोना नहीं है तुझको, कैसे ओछे ये नियम लगने लगे हैं, कैसे ओछे ये नियम लगने लगे हैं। और दहलीज पे पलकों की लिपट कर, दहलीज पे पलकों की लिपट कर, जलते अश्क भी मरहम लगने लगे हैं। और जा नहीं पाता अब तो मंदिर तक, जा नहीं पाता अब तो मंदिर तक, कितने भारी ये कदम लगने लगे हैं, बेसलीके से ये गम लगने लगे हैं। कि जा नहीं पाता अब तो मंदिर तक, कितने भारी ये कदम लगने लगे हैं। और ये आखिरी
से सुनेगा कि बाद रुखसत के तेरे ओ मेरी माँ, बाद रुखसत के तेरे ओ मेरी माँ, सारे रिश्ते बेरहम लगने लगे हैं, सारे रिश्ते बेरहम लगने लगे हैं, बेसलीके से ये गम लगने लगे हैं। शुक्रिया दोस्तों। प्रज्ञा जी धन्यवाद। अपनी डायरी के कुछ अंश सुनाएं, यदि संभव हो तो जरूर सुनाएंगे। देवेंद्र जी जब भी सुनाएंगे जरूर सुनाएंगे, आपका आदेश सर माथे पे। चलिए, अभी जो माहौल चल रहा है या काफ़ी दिनों से चल रहा है, बल्कि आजकल का जो एकल फैमिली हो गई हैं, जो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, उनके लिए मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। नीना कटियाल जी शुक्रिया, सोनू बहन बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, एक कविता है जिसका शीर्षक है अपने लोग। अपने लोग सुनिए। प्रेम का तंबाकू, हाँ बिल्कुल महकेगा सारी जिंदगी, एक सिगरेट बाकी है। चलिए मैं कविता सुनाता हूँ। अपने लोग कविता ही कह लीजिए, गज़ल लिखने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं बहुत सारे कायदे कानूनों में बन के कुछ नहीं लिख पाता, ना मेरे को आता है। सुनिएगा, अपने लोग। अपने से ही दूर हो गए अपने लोग, अपने से ही दूर हो गए अपने लोग, लगते हैं अब सपने से अब अपने लोग। अपने से ही दूर हो गए अपने लोग, लगते हैं अब सपने से अब अपने लोग, चार दीवारी से भागे हैं अपने लोग, चार दीवारी से भागे हैं अपने लोग, और छत को ताक ताक जागे हैं अपने लोग। अपनों की बातों से उकताए अपने लोग, अपनों की बातों से उकताए अपने लोग, दूजों की बातों में आए अपने लोग। अपनों की बातों से उकताए अपने लोग, दूजों की बातों में आए अपने लोग, और भौंकू सुनकर गाल बजाएं अपने लोग, भक्ति में सब थाल बजाएं अपने लोग। भौंकू सुनकर गाल बजाएं अपने लोग, और भक्ति में सब थाल बजाएं अपने लोग, पीठ पे खंजर हंस के खाएं अपने लोग, पीठ पे खंजर खाएं अपने लोग, हंस के खंजर खाएं अपने लोग, घुटनों को ना पेट लगाएं अपने लोग, पीठ पे खंजर हंस के खाएं अपने लोग, घुटनों को ना पेट लगाएं अपने लोग, और गैरों को माथे पे सजाएं अपने लोग, गैरों को माथे पे सजाएं अपने लोग, और अपनों को ना पास बिठाएं अपने लोग। अपना कोई नहीं मिला जीवन भर जिनको, अपना कोई नहीं मिला जीवन भर जिनको, जो अपनों को दूर भगाएं अपने लोग। अब प्रेम की परिभाषा है इनकी अपनी अपनी, प्रेम की परिभाषा है इनकी अपनी अपनी, बस खुशियों में साथ निभाएं अपने लोग, बस खुशियों में साथ निभाएं अपने लोग, और जितने भी प्यासे हैं अपनेपन के लोग, जितने भी प्यासे हैं अपनेपन के लोग, अपनेपन को समझ ना पाए अपने लोग, और अपनी ही बाहों में छिटके अपने लोग, अपनी ही बाहों से छिटके अपने लोग, अपनेपन की राहों में भटके अपने लोग, गैरों से उम्मीद लगाएं अपने लोग, पर अपनों को अपने तरसाएं अपने लोग, गैरों से उम्मीद लगाएं अपने लोग, और अपनों को अपने तरसाएं अपने लोग, और अपने ही कांधे पे गिर के सर बोला, अपने ही कांधे पे गिर के सर बोला, ऐसा है तो भाड़ में जाएं अपने लोग, ऐसा हो तो भाड़ में जाएं अपने लोग। शुक्रिया महेश जी, थाल बजाएं अपने लोग। दिल्ली कर लो फोन, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दोस्त ही हैं, मित्र हैं हमारे वो महेश जी। चलिए मैं चलो आज के हालातों में एक और हजल कह लीजिए इसको, गजल। कि सन्नाटों का शोर हुआ है, सन्नाटों का शोर हुआ है, चुप बादल घनघोर हुआ है,
सन्नाटों का शोर हुआ है, चुप बादल घनघोर हुआ है, और मेरा कुत्ता मुझको काटा, मेरा कुत्ता मुझको काटा, कुछ सोचा कुछ और हुआ है। और जख्मों से करता है मस्ती, जख्मों से करता है मस्ती, दर्द बड़ा मुँह जोर हुआ है, सन्नाटों का शोर हुआ है, चुप बादल घनघोर हुआ है, जख्मों से करता है मस्ती, दर्द बड़ा मुँह जोर हुआ है। राम कथा और चाकू रखकर, राम कथा और चाकू रखकर, संत भी आदमखोर हुआ है, राम कथा और चाकू रखकर, संत भी आदमखोर हुआ है। नेता मुझको अंधा समझे, नेता मुझको अंधा समझे, कहता सांझ को घोर हुआ है, और लाशें भी बिन कांधे फिरती, आज का जो साइमिक दर्शन है, जो माहौल है, उसमें लिखा है कि लाशें भी बिन कांधे फिरती, मान ये कैसा दौर हुआ है, सन्नाटों का शोर हुआ है, चुप बादल गर्वोर हुआ है, लाशें भी बिन कांधे फिरती, मान ये कैसा दौर हुआ है, सन्नाटे का शोर हुआ है। चलिए, काफ़ी सीरियस बातें हो गई हैं, कुछ प्यारी सी प्रेम भरी कविता सुन लिया है, प्रेम भरी एक रचना सुनिएगा। रेणु शब्द मुखर्जी, स्वागत है, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए प्रेम तो सुनाते हैं, रेणु बहन आ गई। जाओ खुद के पास जाकर देख लो, कहा है कि जाओ खुद के पास जाकर देख लो, मेरे नगमे गुनगुना कर, जाओ खुद के पास जाकर देख लो, मेरे नगमे गुनगुना कर देख लो, और जिस्म में बस दिल ही दिल रह जाएगा, जिस्म में बस दिल ही दिल रह जाएगा, मुझसे थोड़ा दिल लगा कर देख लो, के पास जाकर देख लो, जाओ खुद के पास जाकर देख लो, मेरे नगमे गुनगुना कर देख लो, और जिस्म में बस दिल ही दिल रह जाएगा, मुझसे थोड़ा दिल लगा कर देख लो। जख्म तेरे मुस्कुरा उठेंगे जानम, जख्म तेरे मुस्कुरा उठेंगे जानम, उंच का मरहम लगा कर देख लो, जख्म तेरे मुस्कुरा उठेंगे जानम, उसका मरहम लगा कर देख लो, और आखिरी है कि जान भी ना पाओगे तुम नज़दीक रहकर, कि जान ना पाओगे तुम नज़दीक रहकर, इश्क हो जाएगा दूर जाकर देख लो, इश्क हो जाएगा दूर जाकर देख लो, जाओ खुद के पास जाकर देख लो, मेरे नगमे गुनगुना कर देख लो, दिल में तेरे दिल ही दिल रह जाएगा, जिस्म में तेरे दिल ही दिल रह जाएगा, मुझसे थोड़ा दिल लगा कर देख लो, और जख्म तेरे मुस्कुरा उठेंगे जानम, उंच का मरहम लगा कर देख लो, और जान ना पाओगे तुम नज़दीक रहकर, इश्क हो जाएगा दूर जाकर देख लो। शुक्रिया। राजकुमार चौधरी जी, नमस्कार। शैलेश सोनी जी, प्रेम चोपड़ा लग रहा हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। मैं वो भला हूँ जो शीशे से पत्थर को फोड़ता हूँ, और भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। और सुनाऊँ कुछ? चलिए, प्रेम चोपड़ा के बारे में, जाओ थोड़ा दूर जाकर देख लो, पास आकर ही देखेंगे, चिंता ना करो। चलिए मैं आप कविताएँ सुनाता हूँ, छंदमुक्त, छोटी छोटी दो तीन प्रेम की कविताएँ हैं, विरह की, सुनिएगा। अर्चना जैन बहुत हंस रहे हैं, नमस्कार। तुम्हारे, सुनिएगा, तुम्हारे सुंदर आकर्षक माथे पे, तुम्हारे सुंदर आकर्षक माथे पे छोड़ आया था मैं, तुम्हारे सुंदर आकर्षक माथे पे छोड़ आया था मैं,
अपनी बेरंग स्याही से लिखी एक कविता। तुम्हारे सुंदर आकर्षक माथे पे छोड़ आया था मैं अपनी बेरंग स्याही से लिखी एक कविता बरसों पहले, बरसों पहले। कभी जब कोई अपना दुख दे और मन उदास हो तो आईना गौर से देखना, अपनी जुल्फों को हटाकर माथे की सिलवटों से। आईना गौर से देखना, अपनी जुल्फों को हटाकर माथे की सिलवटों से बहकर तुम्हारी गुरूर भरी आँखों के सहारे टपकेगी बूंद बूंद वो कविता। धड़क दे देना उसको मेरे प्रेम पत्रों पर, धड़कने देना उसको मेरे प्रेम पत्रों पर, मेरी रूह की कलम तुम्हें शायद माफ़ कर दे। एक इसी सिलसिले में और कविता है, सुनो। मैं थूक देना चाहता हूँ, सुनो मैं थूक देना चाहता हूँ वो तुम्हारे होठों का स्वाद, मैं थूक देना चाहता हूँ वो तुम्हारे होठों का स्वाद जो उतर गया था मेरे जिस्म में पहले चुंबन के साथ, जो उतर गया था मेरे जिस्म में पहले चुंबन के साथ, जिसे मैंने इश्क का अमृत समझ ली लिया था। सुनो मैं थूक देना चाहता हूँ वो तुम्हारे होठों का स्वाद जो उतर गया था मेरे जिस्म में पहले चुंबन के साथ, जिसे मैंने इश्क का अमृत समझ ली लिया था, और वो रहा, और वो रहा बरसों तलक मेरे हलक में गरल की तरह, और वो रहा बरसों तलक मेरे हलक में गरल की तरह। मैं थूक देना चाहता हूँ, क्या ये हो सकता है? शुक्रिया। इसी सिलसिले की एक और कविता है विराह की, कि तुम खुश हो न जाने किसके साथ, तुम खुश हो न जाने किसके साथ, ये ख्याल कभी महसूसता है तो कभी सुकून भी देता है। तुम खुश हो न जाने किसके साथ, ये ख्याल कभी महसूसता है तो कभी सुकून भी देता है। तुम्हारी याद के पन्नों को सहेजता हूँ तो, कभी तुम्हारी याद के पन्नों को सहेजता हूँ तो मन की अप्रकाशित उत्तेजनाओं के पेपर बैग में, तुम्हारी याद के पन्नों को सहेजता हूँ कभी तो मन की अप्रकाशित उत्तेजनाओं के पेपर बैग पे, सस्ती सी पीले पन्नों वाली उदास कहानियों की किताब सी छप जाती है। दोबारा समझिएगा, कभी सहेजता हूँ तुम्हारी याद के पन्नों को तो मन की अप्रकाशित उत्तेजनाओं के पेपर बैग में, सस्ती सी पीले पन्नों वाली उदास कविताओं की किताब सी छप जाती है, जिसे बार बार पढ़ने को जी चाहता है, जिसे बार बार पढ़ने को जी चाहता है। शुक्रिया। कविता ना तो सिस्टो आ गई, सिस्टो नमस्कार। सियाटल में बैठे हैं सिस्टो, इतनी दूर क्यों चले गए? आइए जयपुर आइए वापस, बहुत हो गया। चलिए एक एक झक्की सी कविता लिखी थी मैंने, कभी कभी दिमाग खराब हो जाने के बाद लिखा जाती है जो पागलपन में, जैसे कहते हैं। सुनिएगा, कि जी चाहता है उतार दूं सारी त्वचा, जी चाहता है उधेड़ दूं उतार दूं सारी त्वचा, उधेड़ दूं हर वसा। जी चाहता है उतार दूं सारी त्वचा, उधेड़ दूं हर वसा जो विकसित हुई मेरे तन गिजगिजाती हुई, जो विकसित हुई मेरे तन में गिजगिजाती हुई। वातावरण की चेतना वेदना से तोड़ डालूं अपनी उन सभी हड्डियों को, वातावरण की चेतना वेदना से तोड़ डालूं अपनी उन सभी हड्डियों को जिनकी मज्जा तक में
जिनकी मज्जा तक में मज़ा नहीं पहुंचा, काट डालूं हर एक रग अपनी, काट डालूं हर एक रग अपनी, जिसने मेरे दिल को सिर्फ लहू दिया है। दोबारा सुनिएगा। जी चाहता है उतार दूं सारी त्वचा, उधेड़ दूं हर वसा जो विकसित हुई मेरे तन में, गिदगिदाती हुई वातावरण की चेतना वेदना में, तोड़ डालूं अपनी उन सभी हड्डियों को जिसकी मज्जा तक में मज़ा नहीं पहुंचा, काट डालूं हर एक रग अपनी जिसने मेरे दिल को सिर्फ लहू दिया है, फोड़ डालूं उन फेफड़ों को जिन्होंने सिर्फ स्वार्थ की ऑक्सीजन, फोड़ डालूं उन फेफड़ों को जिन्होंने सिर्फ स्वार्थ की ऑक्सीजन, छाती को सुकड़न और फैलाव दिया है, अपनी रूह के इमाम दस्ते में कूट डालूं अपनी किडनियां, अपनी रूह के इमाम दस्ते में कूट डालूं अपनी किडनियां जिन्होंने न जाने कितनी बार मेरी आंखों का पानी मूत्र बनकर बहा दिया। जी चाहता है कि उतार दूं सारी त्वचा, उधेड़ दूं हर वसा जो विकसित हुई मेरे तन में, गिदगिदाती हुई वातावरण की चेतना वेदना से, तोड़ डालूं अपनी उन सभी हड्डियों को जिसकी मज्जा तक में मज़ा नहीं पहुंचा, काट डालूं हर एक रग अपनी जिसने मेरे दिल को सिर्फ लहू दिया है, और फोड़ डालूं उन फेफड़ों को जिन्होंने सिर्फ स्वार्थ की ऑक्सीजन, छाती को सिकुड़न और फैलाव दिया, अपनी रूह के इमाम दस्ते में कूट डालूं अपनी किडनियां जिन्होंने न जाने कितनी बार मेरी आंखों का पानी मूत्र बन बहा दिया। किस काम का है शरीर मेरा, किस काम का है शरीर मेरा जिसने एक रूह, एक भूखी रूह तक को आसरा ना दिया। शुक्रिया। किस काम का है शरीर मेरा जिसने एक रूह, एक भूखी रूह को आसरा तक ना दिया। शुक्रिया शुक्रिया। कविता बहन बहुत बहुत शुक्रिया। गजब नहीं जी, नहीं आराम वाली है। स्वास्थ्य की ऑक्सीजन रूह का इमानदस्ता। हाँ वो कहा था ना कि पागल हो गया था जब लिखा था, तो पागलपन में हो जाता है कुछ, इमामदस्ते और सिलबट्टे निकल जाते हैं। चलिए एक ओस की बूंद के साथ जो मेरा घटित हुआ, ओस की बूंद के साथ मेरी जो कहानी हुई है वो मैं सुना देता हूँ आपको। शुक्रिया सभी का शुक्रिया। चलिए मैं एक ओस की बूंद है कविता का शीर्षक, कि मन बहुत करता था उन ओस की बूंदों से ढेर सारी बातें करूं। मन बहुत करता था उन ओस की बूंदों से ढेर सारी बातें करूं, उनसे पूछूं कि उनके जनन और फिर घास की छोटी छोटी पत्तियों में उनका जीवन, उनसे पूछूं उनके जनन के बारे में और फिर घास की छोटी छोटी पत्तियों में उनके जीवन के बारे में, सूरज के तेज से गायब होने तक कितना जी पाती हूँ, सूरज के तेज से गायब होने तक कितना जी पाती हैं वो, और उस छोटे से जीवन में क्या पा जाती हैं, एक छोटी सी बूंद उस छोटे से जीवन में क्या पा जाती हैं, एक छोटी सी बूंद ने पत्तों में दम तोड़ते हुए एक रोज फुसफुसाई, एक छोटी सी बूंद पत्तों पे दम तोड़ती हुई धीरे से फुसफुसाई थी कि इन पत्तियों में प्राण भरती हूँ मैं, इन पत्तियों में ओस की बूंद धीरे से फुसफुसाई थी कि मैं इन पत्तियों में प्राण भरती हूँ और ये पत्तियाँ तुम में। आहा कितनी प्यारी हो तुम, मैंने जवाब दिया। आहा कितनी प्यारी हो तुम, किंतु पत्तों ने हवाओं की जुम्बिश ली, दिवाकर की तपन ली और फिर बोले, किंतु पत्तों ने हवाओं की जुम्बिश ली, दिवाकर की तपन ली और बूंद को छिटक कर बोले कि हे इंसान जिंदगी कल फिर आएगी, हे इंसान जिंदगी कल फिर आएगी, अपने अहंकार छोड़,
कल बिना सवाल किए उसे महसूस करना, अपना अहंकार छोड़ कल बिना सवाल किए उसे महसूस करना, उसके होने और ना होने तक, उसके होने और ना होने तक के अंतराल को सिर्फ महसूस करना। सवाल तो इंसानों के लिए बने हैं, सवाल एक अधूरा सत्य है सच्चे जवाब के बिना, सवाल एक अधूरा सत्य है सच्चे जवाब के बिना। प्रकृति को महसूस ना, जवाब मिल जाएगा, प्रकृति को महसूस ना, जवाब मिल जाएगा। मैंने अपना झूठ पहचाना, मैंने अपना झूठ पहचाना और अगले दिन ओस से भीगी धूप पर, और अगला दिन ओस से भीगी धूप पर घास पर देर तक नंगे पांव चला। मैंने अपना झूठ पहचाना और अगले दिन ओस से भीगी घास पर देर तक नंगे पांव चला, उसके आंखों तक पहुंचने तक, उस ओस के मेरी आंखों तक पहुंचने तक। शुक्रिया, शुक्रिया नीरज दयाल जी, यात्रा जैन जी, सोनू जैन, नमस्कार। चलिए, आजकल मोबाइल के ऊपर ही कुछ लिख दिया है मैंने कि घर बहुत बड़ा और सुंदर हो गया है, कि घर बहुत बड़ा और सुंदर हो गया है, मगर हर कमरे में एक लाश पड़ी है। घर बहुत बड़ा और सुंदर हो गया है, मगर हर कमरे में एक लाश पड़ी है, अब खरीद कर लाता हूँ एहसास के रंग, घर में डहती हुई मगर दीवार खड़ी है। कदम टूट चुके हैं भागते भागते, कदम टूट चुके हैं भागते भागते, आजकल रिश्तों की रफ्तार बड़ी है। रहता हूँ मैं दोस्तों की भीड़ में तन्हा, रहता हूँ मैं दोस्तों की भीड़ में तन्हा, किसी की जीत बड़ी है किसी की हार बड़ी है। अरे आखिरी शेर है कि गुंडे बड़े पंडे बड़े न लुटेरे बड़े हैं, गुंडे बड़े पंडे बड़े न लुटेरे बड़े हैं, जिसे कुर्सी पे बिठाते हैं वो सरकार बड़ी है, जिसे कुर्सी पे बिठाते हैं वो सरकार बड़ी है। और मेरे को लग रहा है कि मैंने ज़्यादा समय ले लिया है, अब मुझे आज्ञा लेनी होगी आप लोगों से। देवेंद्र जोशी जी, काफ़ी समय हो गया है मेरे ख्याल से, अब मुझे समाप्त करना चाहिए। हाँ महेश कुमार जी, बहुत सही बात है कि घर बड़ा और बहुत सुंदर हो गया है, हर कमरे में मगर एक लाश पड़ी है। गुंडे बड़े पंडे बड़े ना, जिसे कुर्सी पे बिठाते हैं वो सरकार बड़ी है। आखिरी सुना दो, क्या सुना दूँ बताइए, आप आदेश कीजिए क्या सुनाऊँ, जो आप कहेंगे सुना दूंगा। चलिए एक और सुना देता हूँ महेश जी, आपकी आदेश है तो मैं डायरी में से सुना देता हूँ कि बड़ा थोड़ा सा बड़ा अजीब सा है, आपको शायद अच्छा ना लगे, फिर भी मैं सुना देता हूँ। देवेंद्र जी का आदेश है, उन्होंने कहा था कि कैंसर डायरी में से कुछ सुना दीजिए, कि जब कैंसर से मैं इलाज के दौरान गुजर रहा था तो जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको सुना देता हूँ। महेश जी सुन रहे हैं, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। सोनू जी, टाइम की बंदिश है, 6 बजने वाले हैं, 6 बज ही गए हैं, मुझे टाइम इतना ही मिला है, मैं और नहीं सुना पाऊँगा। अभी ये कैंसर से रिलेटेड सुनना चाहते हैं तो बड़ा गंदा सा है, आप प्लीज इसको मेरी बेबसी माइंड मत करना, जो मेरे को लगा था वो मैंने लिखा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, प्लीज मेरे साथ सहानुभूति मत रखिएगा। चलिए, भूख लगने के बाद खाना ना खाने का मन, कैंसर के इलाज के दौरान जो होता है वो मैंने लिखा है कि भूख लगने के बाद भी खाना ना खाने का मन, अपनी हर उपलब्धि को नकार देने का मन, बड़ी बड़ी खुशियों को मन में घोंट देने का मन, अपने छोटे छोटे दुखों पर भी
चीखने चिल्लाने का मन, किसी मासूम बच्चे का रुदन भी नज़रअंदाज कर देने का मन, जो मन होता है वो मैं बता रहा हूँ उस टाइम जो होता है, अपने छोटे छोटे दुखों पर भी चीखने चिल्लाने का मन, किसी मासूम बच्चे का रुदन भी नज़रअंदाज करने का मन, बीमार पिता की बोझिल बेबस पुकार को भी दुत्कार देने का मन, बीमार पिता की बोझल बेबस पुकार को दुत्कार देने का मन, अपने सबसे प्यारी ड्रेस को जला देने का मन, अपनी सबसे प्यारी ड्रेस को जला देने का मन, अपनी हर बनाई हुई वस्तु को मिटा देने का मन, दर्द से निकले अपने आंसुओं में डूब जाने का मन, दर्द में निकले अपने आंसुओं में डूब जाने का मन, अपनों की झूठी तसल्लियों पे खिलखिलाने का मन, अपनों की झूठी तसल्लियों पे खिलखिलाने का मन, जो सबसे पास हो, जो सबसे पास हो उससे दूर जाने का मन, जिसका कोई वजूद ना हो उसके पास जाने का मन, जो सबसे पास हो उससे दूर जाने का मन, जिसका कोई वजूद ना हो उसके पास जाने का मन, जिंदगी के आगे गिड़गिड़ाने का मन, जिंदगी को बहुत जोर से गले लगाने का मन, और जलती हुई आँखों से मुस्कुराने का मन, सूखते होठों को आँख से नम कर जाने का मन, दूसरों पे हंसने का झांसा देकर, दूसरों को हंसने का झांसा देकर खुद को ही सताने का मन, रेडियोथेरेपी के सेशन के ठीक बाद एक सिगरेट जलाने का मन, अपने विकिरण से जलते गालों को अश्कों से सहलाने का मन, कभी खुद से बहुत दूर जाने का मन, तो कभी खुद के भीतर बहुत भीतर समा जाने का मन, कीमों से काली पड़ चुकी नसों को बेजान आँखों से सहलाने का मन, तो कभी चार पाई पे चार कंधे लग जाने का मन, माँ की आँख में दलदल से बन चुके आंसू, बस उन्हीं में धंस जाने का मन, कभी किसी की आँख में भीख पा जाने का मन, जी ऐसा मन किया था मेरा, हजारों नकारात्मक विचार आते थे, किंतु जिस दिन एक जिद आई एक दिन इन विचारों में जीने की जिद वो साथ लेके आई, वो जिद साथ लेके आई जीने की, वो मन हुआ मेरा जीने का, तो फिर जो मन किया कि कभी किसी के दिल में बंसीख समा जाने का मन, जागती आँखों में जीवन सपने सजाने का मन, और कैक्टस की छाती पे फूल खिलाने का मन, चाय की चुस्की की बूंद बूंद सहलाने का मन, जागती आँखों में जीवन सपने सजाने का मन, कैक्टस की छाती में फूल खिलाने का मन, और चाय की चुस्की की बूंद बूंद सहलाने का मन, चिड़िया के घोंसलों में अंडे देख आने का मन, चिड़िया के घोंसलों में अंडे देख आने का मन, और गीली अंगीठी पे भट्टे सिकवाने का मन, और बिना शराब पिए बहक जाने का मन, रात की रानी सा महक जाने का मन, झूठा ही सही खूब खिलखिलाने का मन, बेदिलों से भी दिल लगाने का मन, और हवाओं में मुट्ठियां लहराने का मन, ये मन जो आज मेरे मन में है वो ऐसा हुआ। शुक्रिया आप सभी का, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज्जत बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया जनसरोकार मंच, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने मुझे एक बार फिर आमंत्रित किया, और मैं कोई कवि नहीं हूँ लेकिन मैं भी लिखता हूँ, हर आदमी कवि होता है, हर आदमी लिखता है, बस लिखने और सुनने की बात होती कि मुझे सुनाने का मौका मिला, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। कविता, हाँ जी, सिस्टो भुट्टों को
सेक दाने का मन, शराब गंदी चीजें मान जी तब दूर हैं। अच्छा दूर है, बहुत दूर है। चलिए अब सभी बंधुओं से इजाज़त चाहता हूँ मैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है और आपने मुझे झेल लिया इतने समय, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी लोग अपने घर रहें, प्रसन्न रहें, दूरियाँ बना के रखें, कोरोना से डरें नहीं, उसको उसके साथ जीना सीखें। इतना डर के जीना भी ठीक नहीं है, लेकिन ना डरना भी ठीक नहीं है। सभी लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग मेरे दोस्त बने रहें, मुझे प्यार करते रहें, मैं आपको स्नेह देता रहूँ, आपका स्नेह मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत